दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक देखेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो ये स्टॉक जो है अभी ब्रेकआउट दिया है और इसके बाद में इसमें जो है रिट्रेसमेंट आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो जो रिट्रेसमेंट आएगा वो यहाँ तक आ सकता है, यानी 51.7 के आसपास जो है यहाँ तक रिट्रेसमेंट आ सकता है और उसके बाद में इसमें जो है काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो अगर आपको एंट्री लेनी हो तो एनालिसिस करके 51 के अराउंड जो है ये लाइन मैंने ड्रॉ किया है तो इसके आसपास आप एंट्री ले सकते हैं। तो इसके बाद में जैसे ही इसमें जो है रिट्रेसमेंट के बाद में फिर मोमेंटम आएगा तो उसमें आपको 15 से 20% के रिटर्न इजीली देखने को मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स ये जो टारगेट है ये 15 से 20 दिन के हैं, बट आपको जो है स्विंग ट्रेडिंग में आपको लॉट्स में बाई करना है, यानी पूरा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना है। कई बार क्या होता है मार्केट में कुछ वर्स्ट कंडीशन आने से स्टॉक काफ़ी गिर जाता है, तो उस टाइम में आपके पास एवरेज करने के लिए भी अमाउंट रहना चाहिए। तो इसीलिए आप जो है टोटल अमाउंट को 2 से 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए और उसके बाद में इसमें लॉट्स में बाई कीजिए। और एक और स्टॉक है ये भी आप देख सकते हैं, तो इस स्टॉक में मैंने रेजिस्टेंस दिखाया है जो कि पिछले वाले में सपोर्ट बताया था, तो इसमें रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो आप एंट्री लेंगे, यानी यहाँ पे इसको जो है रेजिस्टेंस फिर मिल सकता है। वैसे तो नीचे ये 200 EM में है, इसका सपोर्ट मिल रहा है, बट फिर भी सेफ्टी के लिए आपको ये जो है 3559 के ऊपर ही बाई करना है। और फ्रेंड्स अगर उससे ऊपर निकलता है तो इसमें काफ़ी अच्छे प्रॉफिट देखने को मिलेंगे और टारगेट जो है वो इसमें 10 से 12% के रहेंगे क्योंकि बड़ा स्टॉक है। तो फ्रेंड्स काफ़ी स्टॉक लेके आता हूँ और ऑलमोस्ट हमारे टारगेट अचीव भी होते हैं जैसा आप पुराने वीडियो में देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और इसी तरह की अपडेट लेके आता रहूँ। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।